क्यों री सिमर, क्या सोचा था कि मुझे जूस पिलाकर ठिकाने लगा देगी? तू अगर हीरोइन है तो मैं भी वैम्प हूँ वैम्प। इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझी? अरे भैरवी, हटा ये खिलौना। मैं ये बंदूक शंदूक से नहीं डरती, मैं सिमर हूँ सिमर। अच्छा, तुझे ये बंदूक पसंद नहीं आई? तो तेरे लिए एक और गिफ्ट लाई हूँ, खोल इसको। खुला तोहफा, निकली आफत। सिमर के ससुराल में शुरू हुआ नया स्यापा। जी हाँ, आज भैरवी सिमर को खत्म करने के लिए अपनी पूरी बटालियन के साथ आई है और साथ लाई है ऐसा तोहफा जिसके खुलते ही उड़ गए सबके होश। एक ऐसा सरप्राइज दिया, इतना शॉक दिया है कि उसके अंदर से पहले तो वो घर में लगा देती थी, अभी जैकेट में लगा के सिमर को पहना दिया और उसके जो हाथों में जो जान है उसके वो हमारे हाथ में दे दी है। भैरवी की ही तरह खतरनाक है उसका मौत का ये खेल, जहां उसने सिमर के शरीर में बांध दिया है ये बॉम्ब और अब घर वालों के हाथों में दे दी है ये बॉल। म्यूजिक के साथ साथ घर वालों को ये बॉल एक दूसरे को पास करनी है और म्यूजिक रुकते ही जिसके पास भी बॉल होगी उसे जाकर सिमर की जैकेट पर लगा बटन दबाना होगा। सही बटन दबने के 7 सेकंड में खत्म हो जाएगा सिमर का खेल। पर मुझे पूरा भरोसा है कि माता रानी लास्ट मोमेंट पर, आखिरी वक्त पर ज़रूर, जैसे वो हमें बचा ले जाती हैं वो ज़रूर बचा ले जाएंगी। लेकिन इस वक्त ऐसे माता रानी को पुकार पुकार के मेरी जीवा थक गई है, लेकिन वो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। भाई चाहते तो हम भी यही है, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। परी और माता जी के हाथ से तो गलत बटन दबता है, लेकिन पीयूष की बारी आने पर गलती से उससे दब जाता है सही बटन, जिसके फौरन बाद शुरू हो जाता है बॉम्ब का टाइमर। आप एक शब्द करें। अरे धीरज रखिए प्रेम, आपके सिमर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीयूष की होने वाली दुल्हनिया अवनी, जिसे अब तक सिमर गलत समझती थी, वही बनेगी सिमर की रक्षक और उसके बाद शुरू होगी सास बहू की नई कहानी। आज तक ब्यूरो।